मस्कती नेटवर्क न्यूज में आपका हम दिली इस्तकबाल करते हैं। रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला आज सईदाबाद में महाराजा फंक्शन हॉल और जाकिर हुसैन हॉल में बिना लिहाज मजबूत मिल्लत मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए। इस मौके पर बैरिस्टर अवैसी ने सरमायादार लोगों से कहा कि वो आगे आए गरीबों की मदद करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये काम नहीं कर रही है, बल्कि ओवैसी ब्रादरान, अरकान असेंबली और कॉपरेटर दिन रात गरीबों की खिदमत में मसरूफ़ है और राशन तकसीम कर रही है। उन्होंने सरमायादार लोगों से आगे आने की अपील करते हुए कहा कि वो पहले अपने गरीब रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल करें, उसके बाद गरीबों की मदद के लिए आगे आए। हमारे नुमाइंदे सोहेल मस्कती के साथ मैं हन्नान फातिमा, मस्कती नेटवर्क न्यूज़, हैदराबाद। मलकपेट असम्बली के MLA जनाब अहमद बलाला साहब की जानिब से, उनकी तरफ से महाराजा फंक्शन हॉल और जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में 1100 गरीब मुस्तहक अवाम को फूड किट दिया गया है। और मैं जनाब बलाला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यहां पर ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस मज़हब का है, किस ज़ात का है। हमारा मकसद एक ही है कि इस अनप्लान्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन में, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने इसका इजाफा कर दिया, उसमें एक्सटेंड कर दिया, इसमें पूरे गरीब परेशान हैं। तो काबिल मुबारकबाद है जो हजरात, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बुरे वक्त में, जहाँ पर हुकूमत को आगे आकर गरीबों की मदद करना चाहिए था, वो ख़ुद इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशंस और लोग कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल आज हमारे कंसर्न MLA मलकपेट के बलाला साहब ने किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम से जो देख रहे हैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ, जो साहिब इस्तेआत हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, वो भी ज़रूर गरीब मुस्तहक अफराद की मदद करें। पहले अपने ख़ानदान में तलाश करें उन लोगों को, और उसके बाद जो दूसरे आपके पड़ोसी हैं जो मुस्तहक हैं, उनको मदद करें। शुक्रिया। Mm-hmm.